और एक बड़ी खबर आपको बता दें, सत्याग्रह कर रहे छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ है। जी आपको बता दें, तकनीकी छात्र संगठन को धरना स्थल खाली करने को कहा है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहा है सरकार और विश्वविद्यालय प्रशासन का जुल्म को लेकर छात्रों का कहना है कि गिरफ्तारी देने को तैयार हैं। और ज़्यादा जानकारी के लिए तकनीकी छात्र संगठन के गुलफराज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गुलफराज, पूरी अपडेट क्या है? अपडेट यही है कि हम लोग आज जो हम लोग का सत्याग्रह था वो सातवां दिन जारी था और इसी बीच पुलिस बल आके हम लोगों को मतलब जो सत्याग्रही है उसको लाठी के बल पूर्वक उसको हटा दिया गया और हमारे जो टेंट पंडाल लगी हुई थी बैनर वनर सभी लोगों को सभी चीजों को पुलिस ने उठा कर लेके। यही मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर एक सत्याग्रही को भी अगर इस राज्य में क्या इतना भी अधिकार नहीं है कि अपने हाथ के लिए लड़े। इसको लेकर लगातार हम लोगों ने डीएम को भी लगातार लेटर के माध्यम से आवाज करा रहे हैं कि हम लोग मतलब सत्याग्रह पे हैं, भूख हड़ताल पर हैं और हमारी जो मांगे हैं आप इसको उठाइए या फिर हम लोग जो खत्म करके हम लोग को सत्याग्रह समाप्त करवाया जाए। क्योंकि अभी तक ना ही आपने कोई मेडिकल टीम भेजा गया, ना ही कोई एक दिन बस हम लोग को एक छोटा सा बस एक खाना पूर्ति के तौर पर राजभवन के एक निम्न अधिकारी से मिलवा लिया गया। उसके बाद किसी भी तरह का कोई कार्रवाई या कोई भी आश्वासन नहीं दिया गया और आज बल पूर्वक के द्वारा हम लोग यहाँ से उठवा दिया गया। और जो हमारे सत्याग्रही है, सबसे बड़ी विडम्बना है कि जो सत्याग्रही है जो पिछले 7 दिनों से वो हड़ताल पे है और उसको भी उसने उठवा दिया।